सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नाराज नेता महेश्वर सिंह ने मंत्र के हाथी थान में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महेश्वर सिंह के समर्थक जनसभा में पहुंचे, जहां पर महेश्वर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा का टिकट काटे जाने पर महेश्वर सिंह का दर्द छलका और कार्यकर्ताओं में भी टिकट काटने को लेकर खासी नाराजगी दिखी। इस दौरान महेश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें केंद्रीय भाजपा हाईकमान का बुलावा आया है, जिसके बाद वे भुंतर एयरपोर्ट से चौपर के माध्यम से शिमला के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व महेश्वर सिंह ने जनसभा में सभी समर्थकों को बताया कि भाजपा केंद्रीय हाईकमान का उन्हें बुलावा है, जिस पर वो बैठक के लिए शिमला जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हुए जो भी बातें केंद्रीय हाईकमान में होगी, उन सभी बातों को लेकर समर्थकों के बीच रखा जाएगा और उसके बाद समर्थकों के आग्रह पर ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जब से बुलावा आया है और साथ में जो मंगल पांडे जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पिछले चुनाव भी आपने उन्होंने देखा, जो कि बिहार से मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है। और मैं इन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आज जा रहा हूं और जो वो निर्णय देंगे उसको भी सुनूंगा। अगर वो जनहित में होगा तो मैं लोगों के बीच में आकर फिर यहाँ इन लोगों को बताऊंगा, और जब ये लोग मोहर लगाएंगे मैं उसी काम को करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़ना ना लड़ना कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन मेरी जनता की एश्योरेंस कौन देगा, किस प्रकार से विकास होता है, इसीलिए मैंने केंद्रीय नेताओं की सुनना। प्रदेश वाले तो आज चुनाव में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री जी को अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको भी कन्वे कर देंगे हम उस बात को। अगर उनको भी वो मंजूर होगी तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा फैसला हो। मंत्री जी की बात ऐसी है, वो चुनाव है, पीछे भी चुनाव में थे और पीछे भी कुछ कहा गया था, लेकिन उनकी खैर मजबूरी रही होगी, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जो मैंने काम बताए एक एक किए, उसके लिए मैं उनको ऋणी हूँ कामों के लिए। लेकिन जो मुझे जिनको बनाया उनको तो उन्होंने सिला दे दिया, तो अब वो खुद ही चुनाव में, तो उनसे क्या आश्वासन दूँ। तो इसलिए जो बोलेंगे हाईकमांड है, नड्डा जी हैं और फिर वो मंत्री जी जो बोलेंगे वो करवा के देंगे।